हो पहले चांदी वाला रुपया चलता था पहले क्या बात है ओ पहले चांदी वाला रुपया चलता था पहले चांदी वाला रुपया चलता था अब चाले रे कागज वाला नोट जमाना बदल गया जमाना बदल गया और हमारा डांस स्टेप भी है ओ पहले सास बहू ने लड़ती थी पहले सास बहू ने लड़ती ओ पहले सास बहू ने लड़ती थी पहले सास बहू ने लड़ती अब लड़ रे सास न बहू जमाना बदल गया जमाना बदल गया ओ पहले पगा पर देसो देश चलता था पहले पगा पर देसो देश चलता था अब चाले कोनी ए तो बिना फोड जमाना बदल गया जमाना बदल गया बदल गया जमाना बदल गया जमाना रे हो जमाना जमाना बदल गया वाकई बदल गया इस गाने में से 2000 का नोट निकालेंगे बाकी तो चल ही रहा है जमाना बदल गया जमाना बदल गया अभी थोड़ी देर पहले गाने के ठीक पहले जब आसिफ भाई बता रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसके दिमाग में आया ये जैसे ट्रेडिशनल फोक के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वो तबला सारंगी और करताल हो गए अब आजकल गिटार है सैक्सोफोन फोन है सितार भी नहीं जिटार है क्या ऐसा कुछ आपके दिमाग में एज आर्टिस्ट कुछ कूल और कुछ अनकूल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लास्ट अगर आप 15-20 इयर्स में देखेंगे तो हारमोनियम लेके यानी कोई चाहता ही नहीं अपने बच्चे को हारमोनियम दे दे या तबला दे दे वालिद जो थे अब्बा हमारे वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे नहीं अब्बा हारमोनियम खाते थे अबे साले कहते हैं कि अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले हारमोनियम से शुरू करो ताकि आपका सा तो पक्का हो क्योंकि गिटार आप लेके बैठते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वेस्टर्न कल्चर को आपने अगर फर्स्ट अडॉप्ट कर लिया तो वो थोड़ा सा मुश्किल है आप अगर इंडियन क्लासिकल को पकड़ के चल रहे हैं और उसमें आप मजबूत हैं तो आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री के म्यूजिक को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा ये सबका कहना है तो डोरेमी फासो से ज़्यादा सारे गामा वर्क्स एक्सेप्ट